What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL, let's make some Mumbai street style grill sandwich. तो मुंबई की स्ट्रीट्स पर जो वेज ग्रिल सैंडविच मिलता है वो बहुत ही डिलिशियस होता है, और आज मैं ये रेसिपी आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. बिना ग्रिल मशीन के मैं आपको बताऊँगा कि घर पे परफेक्ट क्रिस्पी एकदम डिलिशियस ग्रिल सैंडविच कैसे बनाना है. और इस रेसिपी में मैं आपको सैंडविच मसाला बताऊँगा जो मुंबई सैंडविच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में सैंडविच स्पेशल ग्रीन चटनी और उसी के साथ एक रेड गार्लिक चटनी बनाऊँगा. एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी बनेगी आपके घर पे, बहुत ही डिलिशियस वाली. लेट्स डू दिस. सैंडविच स्पेशल मसाला जो है वो रेडी हो गया है और बहुत आसान है बनाने में, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं. इसके बदले आप चाट मसाला बिल्कुल भी मत यूज़ करना, आपका सैंडविच जो है वो अच्छा नहीं बनेगा. मेन डिफरेंसेस बिटवीन चाट मसाला और सैंडविच मसाला ये होता है कि सैंडविच मसाले में जो है नमक ज़्यादा होता है और थोड़ा सा चटपटा लगेगा. जो आलू वगैरह चीज़ें होती है जो हम डालते हैं सैंडविच के अंदर वो फीकी होती हैं, तो उसको वो सॉल्ट जो होता है वो चाहिए होता है. तो अगर आप चाट मसाला डालोगे तो आपका सैंडविच जो है वो अच्छा नहीं बनेगा. अगर आपको सैंडविच मसाला फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाना है तो एक शॉर्टकट मेथड है कि आप 2 चम्मच चाट मसाला लीजिए, 2 चम्मच नमक लीजिए, थोड़ी काली मिर्ची और थोड़ा जीरा पाउडर डालिए और इसको मिक्स कर दीजिए. एक शॉर्टकट सैंडविच मसाला आपका बन जाएगा. लेकिन ये वाला जो मैंने मसाला बनाया है इसको भी 5 मिनट लगते हैं बनाने को. अगर आप बना सकते हो तो आपका सैंडविच बहुत अच्छा बनेगा. और जो शेल्फ़ लाइफ है ये सैंडविच मसाले की वो आराम से 1-2 महीने रह जाता है. फ्रिज में रखिए, लेकिन अगर थोड़ी क्वांटिटी में फ्रेश बनाकर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा. स्ट्रीट स्टाइल जो मुंबई के सैंडविचेस होते हैं उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सैंडविच मसाला और एक जो स्पाइसी वाली ग्रीन चटनी है. ये 2 पिलर्स होते हैं स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच के. अगर ये 2 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनेंगी तो आपका सैंडविच बहुत अच्छा बनेगा. अभी नेक्स्ट जो है स्पेशल सैंडविच वाली स्पाइसी ग्रीन चटनी बनानी है, वो बना देते हैं. सैंडविच वाली स्पाइसी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है. ये नॉर्मल चटनी से थोड़ी अलग होती है. आप कबाब्स के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जो पुदीने और धनिए की चटनी बनाते हो वो बिल्कुल भी मत बनाना या यूज़ करना सैंडविच में, आपका मुंबई स्टाइल सैंडविच नहीं बनेगा. मुंबई स्टाइल सैंडविच के लिए ऐसी एक धनिए वाली स्पाइसी चटनी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सैंडविच में वो मज़ा आता है. ये सैंडविच चटनी में 3-4 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती है, एक आपकी जो चटनी है उसमें धनिया होना चाहिए, पुदीना नहीं होना चाहिए. यूजुअली जो मुंबई में स्ट्रीट वेंडर्स हैं पुदीना नहीं डालते हैं. सेकेंड, इसमें आपको कोई खटास डालने की ज़रूरत नहीं है, नींबू अमचूर कुछ मत डालिए, वो ज़रूरी नहीं है. तीसरा, इसके अंदर मिर्ची जो है वो ज़्यादा होती है. ये जो चटनी होती है ये थोड़ी स्पाइसी होती है, क्योंकि आपको बहुत थोड़ी सी चटनी लगानी होती है सैंडविच के अंदर, बहुत ज़्यादा चटनी नहीं डालनी होती है क्योंकि आपकी ब्रेड सॉगी हो जाएगी. तो ये चटनी को तीखा बनाया जाता है कि एकदम थोड़ी सी चटनी लगाई और वो स्पाइसीनेस जो है वो सैंडविच में आ जाएगा.
तो ये बातों का ध्यान देना। और एक पानी बहुत कम डालना जब भी आप ग्राइंड करोगे, ये चटनी वाटरी नहीं होनी चाहिए, तो भी आपका जो ब्रेड है वो पानी सोख लेगा और वो सॉगी हो जाएगा। तो ये बातों का ध्यान दो। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, 2-3 ब्रेड्स डाल देते हैं ये चटनी ग्राइंड करते हुए, उससे ये जो चटनी है वो थिक हो जाती है। हमने इसमें घर पे वो चना दाल यूज़ की है चटनी वाली, उससे भी थोड़ी थिकनेस आ जाती है, तो ब्रेड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हैं ये रेड चटनी बनाने के लिए गार्लिक वाली, वो बना लेते हैं। तो हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स जो है अभी रेडी हो गए हैं ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए। तो ग्रिल सैंडविच को कैसे लेयर करना है और कैसे ग्रिल करना है वो देख लेते हैं। हमारा ग्रिल सैंडविच तैयार हो गया है बिना ग्रिल मशीन को यूज़ किए और बहुत ही डिलिशियस बना है। अगर आपके पास ग्रिल पैन भी नहीं है, अगर समझो घर पे, तो सेम आप तवे के ऊपर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ग्रिल मार्क्स नहीं आएंगे लेकिन आपका सैंडविच जो है एकदम क्रिस्पी बनेगा और एकदम अच्छा बनेगा। तो अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो भी आप सेम मेथड यूज़ कर बना सकते हो।
खाली एक बात का ध्यान देना जो मैंने प्लेट वाली ट्रिक बताई है, जैसे प्लेट या कटोरी लेके सैंडविच को अच्छे से प्रेस करना तो आपका जो क्रस्ट है, जो बाहर का लेयर है, वो अच्छा क्रिस्पी और ब्राउन बनेगा। और जो सैंडविच मशीन को हम लोग जो प्रेस करके बनाते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा जब भी सैंडविच वाला मशीन के अंदर उसको रखता है तो वेट की वजह से जो सैंडविच वो प्रेस हो जाता है, तो वो रेप्लीकेट करें हम लोग प्लेट से, तो वो बात का ध्यान देना। अगर आपके पास ट्राइंगल ब्रेड नहीं है तो आप स्क्वायर ब्रेड से भी घर पे सैंडविच आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट सेम आएगा, खाली शेप का फ़र्क है। आप कोई बड़ी ब्रेड लेके बीच में भी काट सकते हो तो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, वो भी एक आइडिया है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो, सैंडविच मसाला और दोनों चटनियाँ भी ज़रूर ट्राई करना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये रेसिपी के लिए। घर पर ट्राई करके मुझे बताओ कमेंट्स में आपको रेसिपी कैसी लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this street style recipe at your home. Cheers.